सभी को राधे राधे राम राम। आशा करती हूँ सभी ठीक होंगे। आज मैं बात करने जा रही हूँ कि जब हम कई लोग जो है बागेश्वर महाराज जी के धाम में अर्जी लगाने जाते हैं, तो वहाँ कभी कभी किसी की बारी नहीं आ पाती है और कोई कोई परेशान हो जाते हैं। तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप अर्जी लगाना चाहते हैं तो एक बार हमारे बड़े भाई धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कहा था कि जब हम महाराज जी के धाम में आए तो उन्होंने कहा कि अगर कोई हमारे वहाँ अर्जी नहीं लगा पाया तो वो बालाजी के मंदिर में विनती करे, उनकी सारी अर्जी स्वीकार होगी और जो भी बागेश्वर धाम आया है उनकी सभी की अर्जी स्वीकार हो जाएगी। इसलिए कोई भी परेशान मत होना, क्योंकि जो भगवान जी की अर्जी है, जो तुम्हारी अर्जी भगवान जी के पास जाती है, वो बालाजी स्वीकार कर लेते हैं। और बागेश्वर महाराज भी यही करते हैं कि जो हमारी अर्जी है उसे बालाजी के पास समर्पित करते हैं, और वो कहते ही यही है। कई लोग कह रहे थे कि बागेश्वर महाराज जी ने हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया, हम इतनी दूर से आए थे लेकिन उन्होंने हमारी अर्जी नहीं स्वीकारी, तो उनका दोष नहीं है। वो बालाजी की जो बालाजी की कृपा के कारण वो सबकी अर्जी लेते हैं। और आपने देखा होगा बिना बिना किसी को पहले से जाने हुए वो सब कुछ जान लेते हैं, सब कुछ बता लेते हैं, तो ये सब बालाजी की कृपा है। और ऐसा मत कहिएगा कि ये सब बालाजी नहीं, बल्कि बागेश्वर महाराज जी अपनी तरफ से कुछ ऐसा छलावा कर रहे हैं। मैंने कई लोगों को सुना था ऐसा बोलता हुआ कि वो महाराज जी जो है वो पता नहीं पहले से ही प्लानिंग बनाते हैं। तो खुद जाके देखिए एक बार, अगर आपकी भी सच्ची श्रद्धा रही तो आपकी भी बारी आ जाएगी। इसलिए ऐसा मत सोचना कि महाराज जी कोई मतलब छलावा करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ऐसे बिल्कुल भी मत सोचिए, ये गलत बात है। और बालाजी पे सच्ची श्रद्धा रखिए। बागेश्वर धाम ऐसा धाम है जहाँ कि बालाजी का सच्चे भक्त रहते हैं, इसलिए ही वहाँ इतनी महान शक्ति है। अगर आप भी अपने घर में किसी भी देवी देवता को सच्चे दिल से पूजते हैं तो वो भी आपको ऐसी शक्ति प्रदान करने की क्षमता रखते हैं। सभी देवी देवता अगर प्रसन्न होते हैं तो हमें ऐसी शक्ति दे देते हैं, और ये सब भगवान की कृपा है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये सब पता नहीं कैसे हो रहा है, ये तो वही सोच सकते हैं जो भगवान पर विश्वास नहीं करते हैं। जो भगवान पर विश्वास करते हैं ऐसा कभी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो जानते हैं भगवान की लीला को, भगवान की कैसी लीला है, अपरंपार लीला है भगवान की। भगवान जी ये छोटा सा काम है किसी के बारे में मतलब सब जान लेना, लेकिन उससे भी बड़ी शक्ति भगवान जी देते हैं। और हमें मतलब ताकि हम कोई गलत काम न कर सके, ऐसी हमें प्रेरणा देते हैं बालाजी जो है, अपरंपार के शक्ति के मालिक है, भंडार हैं। तो बालाजी को कौन सा काम असंभव है? जैसे कहते हैं ना, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होता तो तुम करहिं। तो ये जो चौपाई है इसका मतलब यही है कि ऐसा जग में कौन सा काम है जो हनुमान जी नहीं कर सकते हैं। हनुमान जी तो सर्व सामर्थ्य है, सभी काम कर सकते हैं। इसलिए ये सब बालाजी की कृपा है। जो हनुमान जी पर विश्वास करते होंगे वो लोग ऐसा कभी नहीं कह सकते हैं, वही लोग ऐसा कहेंगे जो बालाजी पे नहीं ध्यान देते होंगे, जिन्होंने भगवान की शक्ति को नहीं जाना होगा। एक बार अगर आप भी उन्हें आजमाना चाहते हैं तो उनकी भक्ति से आजमाइए, उनसे सच्चा प्रेम करके देखिए। जैसे एक इंसान दूसरे इंसान से सच्चा प्रेम करता है तो उसके लिए हर कुछ काम करने के लिए राजी हो जाता है, सभी चीज़ से दिलवाने के लिए राजी हो जाता है। इसी प्रकार एक भक्त अगर भगवान को खुश कर ले तो भगवान भी उससे दुनिया की चाहे कोई भी शक्ति हो, सभी शक्तियों को देने के लिए तत्पर हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। इसलिए भगवान जी को अपने हृदय में बसाइए, ताकि भगवान जी पे कभी भी ऐसा संदेह प्रकट न हो, आपको सब कुछ ज्ञान आए
और ऐसा तो जानना, ऐसा समझना आप भी कर सकते हैं, ऐसा समझ सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों की जो श्रद्धा होती है ना, सच्ची होती है, और हर कोई इंसान इतना सच्चा नहीं हो सकता है जितना कि कुछ लोग होते हैं, और वो भी विशिष्ट बन जाते हैं, और उन पे फिर लोग इस प्रकार के हाथ उठाते हैं, तो गलत बात है ना। इस प्रकार की उंगलियां मत उठाइए और भगवान पर विश्वास करिए, आपका हर काम सफल होगा, हर काम सिद्ध होगा। तो आशा करती हूँ आप समझे होंगे। धन्यवाद।